हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम रिव्यू देने वाले हैं सुजुकी की स्विफ्ट डिज़ायर का, जिसे इनलार्ज स्विफ्ट भी बोल सकते हैं विथ बूट। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप फ्रंट में देखेंगे, आपको एक फ्रंट में बड़ा सा ब्रिंजल लाइक हेडलैम्प मिलेगा, जिसमें आपको इंडिकेटर, हाई बीम और लो बीम का ऑप्शन मिल जाता है। और टो हुक मिल जाएगा आपको बम्पर पे, और फॉग लैम्प मिल जाएगा ब्लैक फिनिशिंग में फाइबर के साथ, और सिंपल ग्रिल मिल जाएगा, हनी क्रोम ट्रीटमेंट नहीं है, और स्माइली फेस मिल जाएगा आपको बम्पर के डिज़ाइन पर। अगर बोनट को देखा जाए तो बोनट में आपको हल्का फुल्का मसल दिखेगा, वैसा कोई खास डिज़ाइन नहीं है कार का, काफ़ी फ्लोई डिज़ाइन है, फ्लोटी डिज़ाइन है कार का। और आपको 6 स्प्रेस मिलते हैं, काफ़ी इनॉर्मस वाटर स्प्रेइंग करता है ये स्प्रे। और आपको 2 सिंपल क्वालिटी के वाइपर्स मिल जाएंगे सिंडिकेट के, और सेंटर में आपको इंडिकेटर्स नहीं मिलेंगे, आपको बॉडी कलर्ड बम्पर मिलेगा, ये एविडेंट देख रहे हैं आप। तो गाइस, इसमें आपको फेंडर पे बम्पर नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट डीजल इंजेक्शन सिस्टम है, ये डीजल मॉडल है। और आपको ORVM पे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, ORVM आपको बॉडी कलर्ड मिलेगा, इंडिकेटर की फिटमेंट काफ़ी बड़ी है, आपको ओ पिलर ब्लैक एंड टेप्ड मिलेगा, और बी पिलर भी, और सी पिलर बॉडी कलर्ड मिलेगा। काफ़ी लो हाइटेड कार है ये, फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रूट की सस्पेंशन सेटअप मिल जाएगी, और 3 शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाएंगे। और में आपको एलॉयज नहीं आते हैं इवन ऑन द टॉप ऑफ वेरियंट, टॉपेस्ट वेरियंट पर आपको एलॉय मिलेगा, ये VDI वेरियंट है, ZDI पे आपको टॉप एंड ये एलॉय मिलता है। इसमें आपको सिंपल 14 इंचेस के सील रिम्स मिल जाएंगे विथ हब कैप्स। इस साइड की तरफ चले तो आपको एक फ्लोटी डिज़ाइन मिलेगा, और डोर बीडिंग पे आपको डिज़ायर की एम्बॉसिंग मिल जाएगी, जो थोड़ी अच्छी लगती है देखने में। गाइस, कार की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो एक एडिक्यूट ग्राउंड क्लियरेंस है, काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है। अगर हम इसे टिगोर से कंपेयर करें तो काफ़ी कम ग्राउंड क्लियरेंस है इस डिज़ायर की। को आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, ये आप सेकेंड जनरेशन डिज़ायर देख रहे हैं। गाइस, रेयर की तरफ चलें आपको तो रेयर में टॉर्शन बीम सस्पेंशन मिल जाएगा एक्सल के साथ, और आपको फ्यूल लिड साइड मिलता है सर्कुलर शेप का, आपको इसमें फ्लिप टाइप लिफ्ट टाइप डोर हैंडल्स मिलेंगे, ना कि फ्लिप टाइप। आपको थर्ड क्वार्टर ग्लास मिलेगा, विंडो के साथ ही है लेकिन वो नीचे नहीं होता है। फिर तो आपको एक एंटीना मिल जाएगा जो कि रेयर की तरफ है, फिश फिन एंटीना नहीं मिलेगा इस कार में आपको, जो सस्पेंडेड है। गाइस, आप देख सकते हैं आपको यहाँ तक कार स्विफ्ट ही लगेगी, हालांकि पीछे में बूट एडेड है। रेयर से कार कुछ इस तरीके की दिखती है, रेयर से कार कुछ इस तरीके की दिखेगी, आपको VDI की पैचिंग मिल जाएगी, VDI का कोई मीनिंग नहीं है। और यह है स्विफ्ट डिज़ायर, डिज़ायर इसे इसलिए कहा गया था ताकि ये स्विफ्ट से थोड़ी डिफरेंशिएट कर सके। आपको एक क्रोम की काफ़ी लंबी स्ट्रिप मिल जाएगी, मारुति सुजुकी की लोगो, रेयर में वाइपर वाशर नहीं मिलेगा, ब्रेक लाइट्स एक अच्छी क्वालिटी की, और रेयर टेल लैंप्स में आपको रेयर पार्किंग लाइट इंडिकेटर और रियर लाइट और रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। आपको 4 सेंसर्स लगाए गए हैं, आफ्टर मार्केट है, आप चाहे तो मारुति से इसमें डैश कैम भी लगवा सकते हैं, काफ़ी सस्ती पड़ेगी आपको वो। वाइट कलर देख लें, इसमें आपको सिल्वर, रेड, ब्रॉन्ज, ग्रीन, मेहंदी ग्रीन कहते हैं वो ग्रीन भी मिल जाएगा, और बॉटल ग्रीन, काफ़ी सारे कलर्स का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। गाइस, फ्रंट में देखा जाए, फ्रंट में आपको स्मोक हेड लैम्प्स का भी ऑप्शन मिला है, जिसे आप थर्ड जनरेशन स्विफ्ट के नाम से जानते होंगे, लेकिन ये सेकंड जनरेशन में ही कुछ तब्दीलियां करके लाई गई हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, चेंजेस का बम्पर, बम्पर में आपको स्किड्स दिए गए हैं, और ब्लैक एंड ट्रीटमेंट दी गई है, एक सैड फेस दिया गया है, उसमें एक स्माइली फेस मिलता था आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये था इसका फर्स्ट जनरेशन बम्पर, इसमें आपको एक स्माइली फेस मिलता है, उसे आप चेंज करके सैड फेस की तरफ ला दिया गया है। सेकंड सबसे बड़ा चेंज है इसका स्मोक हेड लैम्प, किसी भी गाड़ी में आप ले लो, काफ़ी अच्छी लगेगी। सिर्फ एक ही ऐसी गाड़ी थी जिसमें स्टार्टिंग से स्मोक हेड लैम्प दिए गए थे, जो थी अल्टो। गाइस, ये है इसका सिंपल रिफ्लेक्टर हेड लैम्प, क्रिस्टल क्लियर जैसे भी आप बोल सकते हैं, जो कि अब स्मोक में चेंज हो गया है। तो चलिए उसे देखते हैं। गाइस, ये देख सकते हैं आप, इसमें ब्लैक एंड ट्रीटमेंट यूज़ किया गया है, और इसमें स्मोकी लीक देने की कोशिश की गई है। थर्ड सबसे बड़ा चेंज है, वो है इसका ग्रिल, काफ़ी इम्बोस्ड कर दी गई है, क्रोम और हनीकॉम की ट्रीटमेंट दी गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है अब। और गाइस, प्रीवियस कार को देखें तो उसमें सिंपल ग्रिल मिलता था, बिना कोई क्रोम के फिनिश के या फिर हनीकॉम के फिनिश के। रियर में अननोटिसेबल टाइप का चेंज है, ये लाइनिंग आप देख रहे हैं बम्पर पे, ये इस वाले डिज़ायर में नहीं है। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रियर में जो चेंज है काफ़ी मिनिमल टाइप का है, तो इसे और भी ये कर सकते थे, जिससे डिज़ायर कुछ दिन तक खींच लेती, उसके बाद ये थर्ड जनरेशन लॉन्च कर सकते थे। ये हल्का फुल्का चेंज, वैसा पता भी नहीं लगता है गाइस, सिंपल सा चेंज है। फिर अगर बात करें इसके कंक्लूजन की, तो कार काफ़ी अच्छी है। मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूँ उस कार में क्या क्या चीज़ें बुराइयाँ हैं, इस कार की खामियाँ हैं। सबसे बड़ा इसका बूट, काफ़ी छोटा है, इसे टाटा टिगोर के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा बूट है, इसे का सेडान कंपैरिजन में। अगली चीज़ है फीचरलेस, फीचर काफ़ी कम है इस कार में, काफ़ी दिनों के बाद एटलीस्ट मारुति वालों ने इसमें टच नेविगेशन सिस्टम डाला, जो कि सेम बलेनो से लिया हुआ है, काफ़ी दिनों के बाद वो भी डाला है, वो भी मुझे लगता है काफ़ी हाई प्राइस में देते हैं, वो एक चीज़ है।
नेक्स्ट थर्ड चीज़ है इसका सेम डिज़ाइन।